नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस पर हम बात करेंगे पांच ऐसे बेहतरीन शेयर जिसमें आप हर गिरावट में बाय कर सकते हैं, मतलब बाय ऑन डीप कर सकते हैं। हर स्टॉक्स में आप बाय ऑन डीप नहीं कर सकते हैं। कुछ वैसे जो सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है, देखिए यहाँ फंडामेंटल सॉलिड होना काफी आवश्यक है क्योंकि आप बाय ऑन डीप कर रहे हैं। जब स्टॉक फॉल कर रहा है तो फॉलिंग नाइफ वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो और ज्यादा गिरावट दिखा सकते हैं, लेकिन गिरावट में भी तब बाय आपको नहीं करना है जब मोमेंटम जो है नीचे की ओर हो। मोमेंटम जब लॉस कर जाएगा, जब मोमेंटम उसका खत्म हो जाएगा, तब बाय ऑन डीप करना है आपको। देखिए किस तरह से बाय ऑन डीप करेंगे वो आपको हम बताते चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है एशियन पेंट, काफी बेहतरीन पेंट सेक्टर की नंबर वन कंपनी। अगर आप एशियन पेंट को बाय नहीं करना चाहते हैं तो बर्जर पेंट को भी बाय कर सकते हैं, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। देखिए बाय ऑन डिप कैसे करना है, जैसे देखिए यहाँ पर स्टॉक्स अभी जो है काफी गिरावट में मिल रहा था, तो गिरावट में मिला यहाँ पर देखिए लगातार ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया, ये रेड कैंडल फिर से बना, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बना मतलब गिरावट के बाद ये ऊपर जो है बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं पर हमें बाय करना है। अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो काफी अच्छा, नहीं तो अगर और गिरावट दिखाता है तो फिर से बाउंस बैक करेगा तो वहां पर बाय करेंगे। मतलब यहाँ आपको पूरा क्वांटिटी नहीं लेना है, यहाँ पर 50% क्वांटिटी या 25% 20% क्वांटिटी ले सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर देखिए ये ऊपर मोमेंटम आज दिखा चुका है, अब यहाँ पर आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। अगर 20% लिए हैं तो यहाँ पर अपना क्वांटिटी को 50% कर लीजिए, फिर वेट कीजिए। अगर ये ऊपर मोमेंटम करता चला गया तो फिर रहने दीजिए, फिर कभी डिप दिखाएगा तो बाय करेंगे। तो ये एक्युमुलेशन जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय ऑन डिप कीजिए, ऊपर जाए सेल ऑन राइज कीजिए। लेकिन ये वैसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली काफी सॉलिड है और जो कंपनियां अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश है, जिसका बिजनेस जो है शॉर्ट टर्म में इफेक्टेड नहीं हो सकता किसी भी रीजन से। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर गिरावट दिखाए स्टॉक्स, यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। तो फिर देखिए यहाँ पर काफी जबरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिलता। अब देखिए फिर पीछे चलते हैं, तो देखिए स्टॉक्स यहाँ पर गिरावट दिखाया, गिरावट के बाद यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बना, फिर छोटा सा रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पर आप बाय करेंगे इस ग्रीन कैंडल पर। फिर देखिए यहाँ पर स्टॉक्स काफी ऊपर गया, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पर बाय ऑन डीप करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। इस तरह से आप डीप पर बाय कर सकते हैं। कब बाय करेंगे बाय ऑन डीप, देखिए बाय ऑन डीप खास करके तब करते हैं जब मार्केट साइडवेज हो। जैसे अभी हमारा मार्केट जो है पूरा का पूरा मार्केट वो साइडवेज है, मतलब यहाँ पर मार्केट का मतलब है निफ्टी को हम देखेंगे तो निफ्टी साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। निफ्टी जब गिरेगा तो स्टॉक्स भी गिरेंगे ये सारे के सारे, और डिस्काउंट पर आपको स्टॉक्स मिलेंगे, तो बाय करना है और सेल ऑन राइज करना है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है। आप देखिए यहाँ पर गिरावट दिखाया, गिरावट के बाद यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। यहाँ पर जब ये देखिए हायर लो बनाना चालू किया, ये लो बना, फिर ये हायर लो बना, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पर देखिए ये जो लो बना रहा है मतलब नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आपको बाय करना शुरू करना है, जब इस तरह से यहाँ पर गिर रहा है तब नहीं बाय करना। आप यहाँ पर बाय करेंगे फिर यहाँ पर एवरेज करेंगे तो ये प्राइस आपको काफी महंगा पड़ेगा। तो जब गिरावट दिखा रहा है इसको पूरा गिरने दीजिए, गिरने के बाद जब ये स्टेबल हो जाए स्थिर हो जाए तब आप बाय कीजिए। जब ये गिर रहा है तो आपको बाय नहीं करना है, गिरने के बाद जब ये शांत हो जाए या ऊपर की ओर धीरे धीरे ये मोमेंटम दिखाना शुरू कर दे तब आप बाय कीजिए। अब देखिए पीछे चलते हैं, तो ये तो पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड था जब निफ्टी में मतलब पूरा का पूरा मार्केट में वो मोमेंटम है, तो जब बुलिश हो तो किसी भी शॉर्ट करेक्शन पे आप बाय करके चलिए, काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब मार्केट साइडवेज हो तो इसी तरह बाय ऑन डिप करना है, सेल ऑन राइज करना है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो ये एशियन पेंट था, काफी जबरदस्त स्टॉक, एक ब्लू चिप कंपनी है, 2,64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि थोड़ा सा शेयर प्लेज है 11%, तो ब्लू चिप कंपनियां हैं तो 11% से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये प्लेज परसेंटेज ज्यादा होता है तो फिर ये दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कंपनी का डेट इक्विटी है काफी कम है, मतलब कंपनी अच्छा खासा है, रिजर्व भी अच्छा खासा है, डेट काफी कम है मात्र 1587 करोड़ का, और प्लेज परसेंटेज भी काफी कम है ब्लू चिप कंपनी के लिए, इतना प्लेज परसेंटेज कम ही है। तो आप इस स्टॉक्स को बाय करके डिप में चल सकते हैं। अब दूसरा जो स्टॉक है जिसको आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं वो है पिडलाइट इंडस्ट्री। देखिए पिडलाइट इंडस्ट्री यहाँ पर जैसे आप गिरावट में बाय करते हैं, तो देखिए गिरावट में ये स्टॉक्स यहाँ पर गिरावट आया, यहाँ पर लगातार ये गिरता जा रहा था, इस समय आपको बाय नहीं करना जहाँ पर ये लगातार रेड कैंडल दिखा रहा है, लगातार रेड कैंडल, तो जब कंजुकेटिव रेड कैंडल बन रहा हो तो बाय नहीं करना। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल आया, आप यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, फिर देखिए ऊपर गया,
फिर यहाँ पर गिरावट दिखाया, फिर यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल दिखाया, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते थे। देखिए पीछे की गिरावट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लगातार गिरावट हुआ, ये गिरावट हो रहा है, गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चाहे तो ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं। देखिए जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक बुलिश नहीं होगा, तो हमें गिरावट का वेट करना है। तो देखिए यहाँ पर गिरावट और हुआ, क्योंकि यहाँ पर गिरावट जो है निफ्टी में भी हो रहा था। जब मार्केट में गिरावट होगा तो एक स्टॉक कितना भी सॉलिड फंडामेंटल्स का क्यों ना हो, उस स्टॉक में भी गिरावट होगा। तो स्टॉक ने गिरावट दिखाया, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। और यहाँ पर क्यों नहीं बाय करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट रीजन है। देखिए ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन के पास प्राइस आया गिरावट में, तो यहाँ पर रिवर्सल दिखेगा तो हम बाय करेंगे, यहाँ बीच में हम कुछ ना करेंगे। यहाँ पर जब तक ये डिमांड जोन के पास आ नहीं जाता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। डिमांड जोन के पास आया, यहाँ पर रिवर्सल दिखेगा तो यहाँ पर हम बाय ऑन डिप करेंगे। अब यहाँ पर छोटे से गिरावट हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे गिरावट होगा, और ज़्यादा गिरावट होगा, हम ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ अच्छा खासा गिरावट है और ये डिमांड जोन के आसपास है, तो यहाँ पर हम बाय करते। जैसे यहाँ पर रिवर्सल मतलब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, तो देखिए अच्छा खासा हमें यहाँ पर बाउंस बैक देखने मिला प्राइस में, तो अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिलता। फिर पीछे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी गिरावट हुआ, गिरावट के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, तो आप इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये हमें डिमांड जोन के पास मिलना चाहिए। तो प्रीवियस जो स्विंग लो है, जो यहाँ पर स्विंग ये बना है, तो इसका लो इस आसपास है, कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। तो फिर देखिए यहाँ पर गिरावट हुआ, इसके पास आया, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे ये ग्रीन कैंडल बनाना शुरू हुआ, मतलब रिवर्सल दिखा, यहाँ बाय करते अच्छा खासा आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता। तो दूसरा है पिडिलाइट इंडेक्स, जिसको आप गिरावट में बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पर देखिए कोई शेयर प्लीज नहीं है, 69.9% का प्रमोटर्स का स्टेक है, काफ़ी जो कि सॉलिड है। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है टाइटन, जिसको आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। देखिए टाइटन में बात करें तो यहाँ पर देखिए गिरावट में तो स्टॉक मिल रहा है, जब ये लगातार कंजुकेटिव रेड कैंडल बना रहा है, लगातार रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए रिवर्सल देखना शुरू हुआ, आप यहाँ पर चाहें तो बाय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाय करते यहाँ पर आपको कुछ खास रिटर्न मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास बाउंस बैक हमें देखने प्राइस पे मिला नहीं, तो कुछ खास रिटर्न आपको नहीं मिलता। फिर से गिरावट हुआ, फिर से देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर बाय करते तो यहाँ पर अब स्टॉक जो है अभी कुछ खास मोमेंटम दिखाया नहीं है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। तो अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं, स्टॉक अभी भी काफ़ी गिरावट में मिल रहा है। अब पीछे देख लेते हैं, देखिए पीछे गिरावट में ये इसका डिमांड जोन है, डिमांड जोन के पास जब जब प्राइस देखिए यहाँ पर गिरावट में आए, आप बाय करते अच्छा खासा रिटर्न मिलता। चाहे यहाँ पर गिरावट बाय करते तो आप आराम से होल्ड करते, यहाँ तक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिला। फिर यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ये डिमांड जोन के पास आया गिर करके, यहाँ पर जैसे ग्रीन कैंडल बना आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ अच्छा खासा रिटर्न आपको मिला शॉर्ट टर्म में। तो ऐसे जो फंडामेंटल सॉलिड स्टॉक्स है उसको आप गिरावट में बाय करके चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बुल रैली था, बुल रैली में तो स्टॉक वन साइडेड मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ पर आप किसी भी डिप पे बाय करके इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते चल सकते थे। अब देखिए टाइटन की बात करें तो 1,81,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी के में कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, प्रमोटर्स का होल्डिंग 52.9% है, डेट इक्विटी काफ़ी कम है, मात्र 7,000 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व 9,000 करोड़ का है, मतलब हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ऐसे ही बेहतरीन कंपनियों में आपको बाय ऑन डिप करके चलना है। फिर जो अगला स्टॉक है जिसे आप बाय ऑन डिप करते हैं वो है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी अभी गिरावट मिला है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। एक बार यहाँ पर गिरावट मिला, थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा, कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया, तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अब देखिए रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड साइज कंपनी है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है। खास करके ये स्लीपर्स बनाने वाली काम करती है कंपनी, और काफ़ी सारे ब्रांड है जैसे रिलैक्सो का स्पार्क्स हो गया, फ्लाइट हो गया, बहमास हो गया, ये सारे ब्रांड जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग, 70.8% प्रमोटर्स होल्डिंग, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट काफ़ी कम है, मात्र 174 करोड़ का, रिजर्व अच्छा खासा है 1,735 करोड़ का। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, आप इसको बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है, जो पाँचवा स्टॉक है बाय करके चल सकते हैं डिप पर, वो है रेडिको खैतान। इस स्टॉक को तब बाय करना है जब ये डिप दिखाए, तो जब ये रिवर्सल दिखाने लगे, जैसे यहाँ पर गिरावट हो रहा है, गिरावट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस गिरावट में ऐसे ही बाय नहीं कर लेना है, जैसे यहाँ पर रिवर्सल दिखेगा, देखिए एक ट्रेंड लाइन बना रखा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा,
जैसे इसको ब्रेक करता है तो आप इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। तो जब तक ये गिरावट दिखा रहा है तो दिखाने दीजिए, जैसे ही रिवर्सल दिखाए यहाँ पर आप इसको बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि एक रेसिस्टेंस लाइन बनाए इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये कुछ ना कुछ मोमेंटम अच्छा खासा दिखाएगा, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। देखिए वहीं पीछे जो हमारा बुल रैली था उसमें ये हाई लगाया लगभग 1300 का, और ये स्टॉक्स यहाँ पर जो गिरावट था उसमें काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल रहा था, देखिए मात्र 230 रुपीज पर मिल रहा था, वहाँ से 1500 के आसपास, मतलब 1300 गया तो लगभग 1500 के आसपास गया, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता। तो ऐसे सॉलिड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है, और ये कंपनी खास करके लिकर से रिलेटेड मतलब बिजनेस करती है। देखिए इसका मार्केट के मात्र 10,000 करोड़ का है, मतलब एक मिड साइज कंपनी है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड कंपनी है। प्रमोटर्स होल्डिंग मात्र 40% है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, जब प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो तो ऐसे में शेयर अगर प्लीज होता है कंपनी का तो काफ़ी बैड साइन होगा। डेट इक्विटी काफ़ी कम है, मात्र 202 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व 1960 करोड़ का है, तो हर पैरामीटर्स पे यह कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। ये पांच बेहतरीन स्टॉक्स है जिसे गिरावट में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही साथ आपको आने वाले समय में हम कई सारे बेहतरीन जो सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं बताते रहेंगे।